गिरफ्तार कर लिया गया। प्रधानमंत्री चंगा पाकिस्तान का जड़ा समझदार छड़ता है। भारतीय मीडिया से सिख भी सुखी नहीं। एक शख्स ने अपना टीवी तोड़ डाला, कहा गंदे ने गंद फैला दिया। इससे बेहतर तो पाकिस्तान के वजीर आजम है, समझदारी दिखाई और हमारे पायलट को बिना किसी शर्त के छोड़ दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, फौजे पाकिस्तान जिंदाबाद। भारतीय सिखों ने भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। जर्मनी में पाक फौज से इजहार यकजहती। कश्मीर में मजालिम पर भारतीय फौज के खिलाफ नारे। आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। अमन इकदामात पर पाकिस्तान की तारीफ। मोदी के झूठ से भारत में टूट फूट। इलेक्शन से पहले मोदी पुलवामा जैसा एक और हमला करवा सकते हैं। बालाकोट में कोई नहीं मारा गया, मोदी झूठ से वोट लेना चाहते हैं। राज ठाकरे का खिताब, राफेल तैयारों से मुतालिक वजीर आजम का बयान भारतीय फौज की तौहीन करार दे दिया। तहरीक इंसाफ सिंध के तहत तीन रोजा दिफाए पाकिस्तान मार्च का आगाज। शुरका हलीम आदिल की कयादत में बजरिया ट्रेन, रहीम यार खान रवाना। वापसी में बाय रोड 7 शरीफ में इख्तिताम होगा। शुरका के नारे, अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। बीमारी से हरीफ भी हलीफ बन गए। बिलावल भुट्टो कल नवाज शरीफ से कोटलखपत जेल में मुलाकात करेंगे। साबिक वजीर आजम की अयादत और दीगर उमूर पर बात होगी। पंजाब हुकूमत का नवाज शरीफ को कट, डॉक्टर्स की रिपोर्ट से आगाह किया। मौलजीन ने दिल के अस्पताल में दाखिले की तजवीज दी है। बलूचिस्तान को फिर बादलों ने घेर लिया। नौशकी, बेला और पशीन में मूसलाधार बारिश। शहर और गिरदोनवा के नदी नालों में तुगयानी आ गई। सैलाब से मुतासर अफराद की मुश्किलात बढ़ गई। कोहलों में बरसात ने सर्दी बढ़ा दी। ज्यारत बर्फबारी की लपेट में आ गया। नांगा पर्वत दो गैर मुल्की मुहिम जो को निकल गया। बरतानवी और अतालवी को पहमा की मौत की तस्दीक कर दी गई। टॉम और डैनियल की तलाश का काम रोक दिया गया। अहले खाना ने भी तस्दीक कर दी। पाटा में पुलिस तैनाती ना मंजूर। दर्रा आदम खेल में खासदार फोर्सेस का एहतजाज। पुलिस के बराबर ओहदे और मराद देने का मुतालबा। खासदार ही असल पुलिस है, मुजाहिरीन के नारे। वजीर आला सिंध ने कराची में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत कर दी। शहीद मिल्लत और हैदर अली रोड पर अंडरपास का मुआयना। 850 मिलियन लागत आएगी। ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाएंगे। हुक्काम की ब्रीफिंग। पाकिस्तान रेलवे ने लाहौर और कराची के दरमियान पहली वीआईपी ट्रेन की तैयारियां मुकम्मल कर ली। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के जेर इस्तेमाल सलून भी जना एक्सप्रेस का हिस्सा है। मुसाफिरों को 7,000 के एवज वीआईपी सहूलियात हासिल होंगी। रवामा वजीर आजम इफ्तिताह करेंगे। जहलम में इंतजामी गफलत की इंतहा। शहर की गंदगी, सीवेज और केमिकल दरिया में बहाया जाने लगा। पानी में आलूदगी बढ़ गई। ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबा फाइलों में दब गया। इंसानी जान के साथ आबी हयात को भी खतरात लाहक हो गए।